अभी तक आ रहा है लाल पानी। बंगले के पानी में किसी ने कुछ मिला दिया है, खून आ रहा है, खून आ रहा है, खून। मेरे घर में भी, मेरे घर में भी लाल पानी है। क्या? अरे पता नहीं किसने क्या कर दिया। सुनो, मेरे बगीचे में भी लाल पानी है। क्या तुमने तो कुछ? अरे मैं क्यों कुछ करूंगा, तुमने क्या होगा? क्योंकि मेरे घर में भी लाल पानी आ रहा है, मेरे घर के अंदर खून आ रहा है। मैं तो चाय बनाने वाली थी उस लाल पानी से, अच्छा हुआ देख लिया। क्या मेरे नल के अंदर खून कहां से आ गया? कहां से आया खून? तुम्हारे घर में लाल पानी, इनके घर में लाल पानी। ओ गॉड, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक मिनट, एक मिनट, तुम सबको अभी अभी पता चला है ना कि तुम्हारे घरों में पानी लाल रंग का आ रहा है? करीब दो घंटे पहले से सर। सर वो रंग नहीं है सर, खून है वो, खून। हाँ लगता तो खून ही। सब घरों के ऊपर छोटे छोटे टैंक्स लगे हुए हैं, पानी उसमें से आ रहा है ना? लेकिन सर उनमें पानी वहां से आता है, वहां से, उन बड़े टैंकों में से। ये टैंक हमेशा बंद रहते होंगे ना? तीन टैंक है सर, एक बाथरूम के पानी के लिए, किचन के लिए, इसमें में पीने का पानी होता है सर। सिर्फ वॉचमैन ही खोलता उन्हें पानी देखने के लिए। वॉचमैन? जी सर। उसे पता कैसे नहीं चला कि कुछ गड़बड़ है? मालूम नहीं सर। उसे पता कैसे नहीं चला? वॉचमैन है कहाँ? ये टैंक है सर। देखे सर? हाँ देखो। आप लोग जरा पीछे जाइए प्लीज, जाइए पीछे जाइए प्लीज, जरा पीछे खड़े रहिए प्लीज। सर एक टैंक में किचन और दूसरे में बाथरूम लिखा हुआ है सर। तो खोल के देखो। यस सर। यहाँ पे एक लाश है सर, एक आदमी की लाश, गला कटा हुआ है सर। माय गॉड। मैं ऊपर आता हूँ। सर 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 बी केयरफुल सर, खतरा है यहाँ ऊपर चढ़ने। टू हेल विद खतरा दया, वहाँ टैंक में एक आदमी मरा पड़ा हुआ है एंड वी आर टॉकिंग ऑफ खतरा। जिसे खतरा था उसे पता भी नहीं चला सर। यहाँ चढ़ना इतना आसान नहीं है, फिर भी आदमी यहाँ क्या करने आया होगा? पूरी तरह से गला काट दिया है, तभी तो इतना खून बह गया है। कोई शार्प हथियार यूज किया होगा सर। एक तो ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि ये आदमी यहां आके क्यों मरा। आई मीन इसका खून यहां क्यों किया गया? हाँ सर, यहाँ हाथापाई के कोई निशान भी नहीं दिखाई दे रहे। हाँ, और अगर इस आदमी का खून यहाँ हुआ है तो खून करने वाला आदमी यहीं कहीं खड़ा होगा ऊपर, और ये उसे मिलने यहाँ आया होगा। मगर सर ये कोई मिलने की जगह है? इतनी जगह है यहाँ आसपास, ये लोग यहीं पे क्यों मिले होंगे? मगर खूनी भागा कहाँ से होगा? दया काम करो, दूसरा टैंक चेक करो। दूसरा टैंक भी खोल के देख रहे हैं वो। ओह माय गॉड, अब क्या दूसरी लाश मिलने वाली है? अरे एक का तो पता नहीं चल रहा है कौन है, और दूसरे की बात कर रहे हो? नहीं सर। तीसरा देखो, आराम से संभलना। नो सर। रात को किसी आदमी को यहां क्या काम हो सकता है? यह आदमी जरूर उस खूनी को जानता होगा, तभी तो उसे मिलने यहां आया। वो कैसे सर? नहीं ऐसे ही देखो, अगर खून ऊपर नहीं हुआ है तो खून नीचे हुआ होगा, और खूनी ने लाश को ऊपर लाके यहां छुपा दिया। मगर सर सीढ़ी से ऊपर अकेले आना इतना मुश्किल है,
किसी और को कंधे पे डाल के ऊपर आना जरा, मैं कोशिश करता हूँ सर। ठीक है फ्रेडरिक्स, जरा साइड देना, संभल के संभल के दया। सुनो तुम जरा इधर आना। क्या बात है? वो लाश की डील डॉल तुम्हारी जैसी है। मैं तुम्हें कंधे पे उठा के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? पर क्यों? हम ये देखना चाहते हैं कि वो लाश ऊपर पहुंची कैसे, कोई उठा के तो नहीं ले गया उसे। पर ये लाश है किसकी? मालूम नहीं, जब नीचे ले आएंगे तो देख लेना। चलो आओ। अरे भाई संभाल के। कुछ नहीं होगा, आराम से आराम से। देखो आप चुप रहो, कुछ नहीं होगा। क्या कर रहे हो यार? हम दोनों गिर जाएंगे। नहीं मुझे डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा, आप मुझे प्लीज उतार दो। अरे कुछ नहीं होगा, चलो। अरे प्लीज उतारो मेरे को। अरे सर देख रहे हैं। अरे सॉरी, आप लाश को क्यों उठा के देख लेते? वही करना पड़ेगा सर। हाँ दे सर, किसी को उठा के ऊपर लाना मुश्किल लग रहा है सर। धीरे से नीचे करो। हाँ सर। सुधाकर इस तरफ आ जाओ। हाँ दया सर। इस तरफ आ जाओ। आने दो सर। धीरे से नीचे छोड़ो। आराम से। फ्लिप फ्लिप। हाँ कंट्रोल। धीरे सर। छोड़ो। हाँ जाने दो नीचे। जाने दो। संभाल के। दया, इसकी वाइफ को पता कैसे नहीं चला कि हस्बैंड गायब है और वो घर पे आया नहीं? हाँ क्यों? पता नहीं सर, हमें तो कुछ नहीं मालूम। और ये सीधे यहाँ कैसे पहुँच गया टैंक के पास? अपने घर क्यों नहीं गया? अभी हम क्या कह सकते हैं सर? क्या बताएं? हमें खुद समझ नहीं आ रहा है। सुधाकर सर, बॉडी को लेके। यहां जरूर कुछ है। ये क्या है? देखा, ब्लेड का रैपर, खून ब्लेड से ही किया है। मर्डर वेपन शायद टैंक में ही होगा। सब टैंक खाली करो। मैं मिसेस राणा से जाके बात करता हूं। मेरे पति राणा साहब 2-3 दिन के लिए बाहर गए थे, कल रात को वापस आने वाले थे। कितने बजे आने वाले थे? उन्होंने कहा था 11 बजे तक आ जाऊंगा। गए कहाँ थे वो? पूना गए थे। तो उन्होंने फोन किया था वहां से? जब वो रात को नहीं आए तो आपको लगा नहीं कि कुछ गड़बड़ है? उनका इंतजार करते करते मेरी आंख लग गई थी। वो बाहर गए थे ना, तो उनके पास बैग भी होगा ना? हाँ, बैग लेके तो गए थे, 3-4 दिन के कपड़े थे उनके पास। तो फिर वो बैग कहाँ है? सर। हाँ? अंदर कुछ ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, पाइप टैंक के अंदर डाल दिया है ना? हाँ। ठीक है पानी खाली करना शुरू कर दो। ओके सर। टैंक में से एक लाश मिली है, सुबह से यहाँ इतना हंगामा हो रहा है और तुम कहीं दिखाई नहीं पड़े? तुम कहाँ छुपे हुए थे? हाँ? वॉचमैन को सबसे पहले यहाँ आना चाहिए था। साहब, ऐसे में मैं अगर यहाँ आ जाऊंगा तो ये सब मुझे जूतों से मारेंगे और ये उंगली मेरे ऊपर उठती कि हम वॉचमैन के होते हुए यहाँ पे एक खून हो गया। साहब हुआ तो ऐसा ही ना। हाँ? तुम ड्यूटी पर थे ना रात को? पर साहब
खून कोई मैंने नहीं किया साहब। चुप। तुमने राणा को देखा था? हाँ साहब देखा था। देखा था? तो पहले क्यों नहीं बताया? एक मिनट, इसीलिए मैं नहीं बोला था साहब। अच्छा कितने बजे देखा था राणा को? साहब कुछ ये रात को 2 बजे थे साहब। कहाँ देखा था? ये वो ऑटो रिक्शा से आए थे साहब। ऑटो रिक्शा से? जी। उसके साथ और भी कोई था? नहीं मगर ये ड्यूटी पे दारू पीता सर। वो आदमी वापस गया? साहब इसी बात का तो मुझे शक लग रहा है कि वो ऑटो रिक्शा मेरे नजरों के सामने से इतना तेज गया बिल्कुल गोली की तरह। मैं समझ नहीं पाया, देख नहीं पाया साहब कि वो आदमी वापस गया कि नहीं। तो तुमने जाके देखा क्यों नहीं? देखिए साहब वो जो सोसाइटी का गेट है ना, वहां से वो राणा साहब का बंगला मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं देता है, लेकिन मुझे दूर से आवाजें सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, जोर जोर से बातें कर रहे हैं। उसके बाद सब अचानक शांत हो गया और उसके बाद वो रिक्शा मेरे सामने से गुजर गया। लेकिन साहब मैंने उस रिक्शा का नंबर नोट कर लिया है। प्लास्टिक बैग ऊपर टैंक में? महक साबुन का रैपर ऊपर टैंक में से? ये देखिए साहब ये लिखा है मैंने नंबर, ये देखिए ये ऑटो XMN02K5171। दया वो मालिक मिला क्या उस ऑटो रिक्शा का XMN02K5171 का? नहीं सर, उसकी वाइफ थी घर में, उसने बताया कि यहाँ पालिश के में आएगा वो ड्राइवर। यहाँ क्यों आएगा वो? सर यहाँ वो रिक्शा लेने आएगा सर। एक ड्राइवर रिक्शा दिन में चलाता है और दूसरा रात को। हमें जो ड्राइवर चाहिए वो रात वाला है सर, यही मिलेगा वो। चलाकर गाड़ी लेफ्ट में लगाओ। हाँ बस यहाँ पे लेफ्ट में, उस लेडी ने कहा यही आएगा वो। रिक्शा कौन चला रहा है? ये तो मैं चलाता हूँ सर। तुम कल रात को तुम कामधेनु बंगलो सोसाइटी गए थे? जी हाँ सर गए थे। हाँ तुम्हारे साथ एक और आदमी भी था? हाँ सर वो तो साथ में लेना पड़ता है रात के वक्त। अच्छा चलो चलो मेरे साथ। अरे लेकिन साहब बात क्या सर, लेकिन सर सर बात क्या है साहब? चलो सुधाकर। मगर सर बात क्या है साहब? वो आदमी जो तुम्हारे साथ था वो कहाँ गया? वो तो मेरे साथ ही वापस आ गया। जिस आदमी को तुम वहाँ ले गए थे उसका खून हो गया है हा? और वो तुम लोगों में से किसी ने किया है? नहीं। बताओ उसका बैग कहाँ है? बैग तो उसी के पास था साहब। था अब नहीं है। बोलो कहाँ छुपा दिया? हमने नहीं मारा उस आदमी को। तुम्हारा उसके साथ झगड़ा हुआ था हा? वो तो साहब हम वापस आने का किराया भी मांग रहे थे इसलिए वो झगड़ने लगा, बस इतना ही। देख सच सच बता, सच सच बता क्या हुआ? बताता हूँ साहब बताता हूँ। मैं सच कह रहा हूँ साहब, जब रिक्शे से उतरा तो वो आदमी जिंदा था। जिंदा था? हाँ साहब, वो बहुत गुस्से में रिक्शे से उतरा। कभी नहीं बैठूंगा तेरे रिक्शा में। हेलो हैं? क्या राणा के पास मोबाइल फोन था ये उसकी वाइफ ने बताया नहीं? था साहब, उसके हाथ में था और फोन के बाद वो काफी घबरा भी गया था। मिसेस राणा को फोन करो और पूछो राणा का मोबाइल फोन का नंबर क्या था। देखो तुम जो कुछ भी हमें बता रहे हो अगर वो सच निकले तो अच्छा है, वरना बहुत बुरा हाल होगा तुम्हारा। हेलो मिसेस राणा। जी बोलिए। मैं सीआईडी इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ, माफ कीजिए आपको तकलीफ दे रहे हैं। नहीं नहीं कोई बात नहीं, बोलिए क्या बात है। आपके हस्बैंड के पास एक मोबाइल फोन था? हाँ। आप जरा नंबर बता सकती हैं? हाँ लिखिए 9820900159।
जल्दी से मोबाइल कंपनी में फोन करो, वहां सुकीर्ता होगी। अगर सुकीर्ता ड्यूटी पर है तो शायद हमारा काम जल्दी हो जाएगा। हेलो, क्विक फोन, क्या मैं सुकीर्ता से बात कर सकता हूँ? मैं सीआईडी से बोल रहा हूँ। ओके ओके, सुकीर्ता। हाँ, इंस्पेक्टर दया, सीआईडी से। हाँ, आपसे कुछ मदद चाहिए थी। एक मर्डर केस है। ये एक मोबाइल नंबर है 9820900159। हमें ये पता करना है कि इस नंबर पे आखिरी फोन कहाँ से आया था। हाँ हाँ, एसीपी साहब है यहाँ पास में, एक मिनट। हेलो, हाँ सुकीर्ता बेटा, हाँ जल्दी से नंबर दो। ओके, क्या नंबर है? 7880 91। 7880 91। ओके, थैंक्स अ लॉट। हाँ, और देखो मुझसे कोई भी काम पड़े तो आ जाना बेझिझक। हेलो, 7880 91। हाँ, ये कहाँ का नंबर है? क्या कहा? काम देनू बंगलो सोसाइटी का। वॉचमैन, यहाँ का पब्लिक फोन कहाँ है? जल्दी दिखाओ यहाँ का पब्लिक फोन कहाँ है। ये रहा साहब, ये रहा। अच्छा, एक ही फोन है या और भी कोई पब्लिक फोन है? नहीं साहब, एक ही फोन है। अच्छा, कहाँ पे? ये यहाँ है। ये रहा साहब। जी, यहाँ करीब करीब सबके पास घर में फोन लगा होगा ना? हाँ साहब, सबके घर में फोन है। तो फिर ये पब्लिक फोन यहाँ क्यों लगा हुआ है? जी साहब, वो जो लोग बाहर से काम करने आते हैं ना, ये उनके लिए। और कभी कभी यहाँ रहने वालों का फोन अगर खराब हो जाए तो वो लोग भी इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दया, सब लोगों को घर में से बाहर बुलाओ। इनमें से ही किसी ने राणा को फोन किया होगा। प्रेडिक्स, तुम उस तरफ जाओ जल्दी। और वॉचमैन, लोगों को बाहर बुलाओ जल्दी। अच्छा साहब। अफसर बाहर आइए प्लीज, एसीपी साहब बुला रहे हैं। क्यों, क्या बात है? वही राणा के खून का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मैं खाना खा रहा हूँ, जरा जल्दी कीजिए प्लीज। आपने कल इस पब्लिक फोन से फोन किया था? नहीं तो? मगर सर, यहाँ से फोन किया गया था, इसका मतलब ये तो नहीं कि फोन हमने कर दिया। देखो, राणा को किसी ने उसके मोबाइल पे फोन करके टैंक के पास बुलवाया और वहाँ उसका खून हुआ है। अब राणा वहाँ क्यों गया था हमें सब पता चल गया है। मगर वो फोन सर? तुम चुप बैठो, वो फोन शायद तुमने ही किया होगा। मैंने? सर, सबसे पहले खून वाला पानी तो मुझे ही दिखाई दिया। वो शायद तुम्हारी एक्टिंग हो सकती है। क्या? देखो, जिस फोन से राणा को फोन किया गया था वो फोन ये है। ये है वो फोन। आपने कहीं विक्रम को देखा है? नहीं, क्यों, क्या हुआ? नहीं, अभी अभी तो यहीं थे, पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गए। गायब नहीं हुए हैं, पुलिस को देखकर कहीं छुप गए होंगे। उन्हें पता चल गया होगा सीआईडी यहाँ पहुँच गई है, तो कहीं भाग गए होंगे। एसीपी सर, इसके पति को न जाने मेरे पति से किस बात की जलन थी, हर वक्त किसी न किसी बहाने से वो झगड़ते रहते थे उनसे। कहाँ गए होंगे वो? पता नहीं सर, प्लीज ढूंढिए ना उन्हें। ठीक है, जरा देखो। चलो फ्रेडरिक्स, विक्रम के साथ उस तरफ देखो। विक्रम, 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 विक्रम। क्या हुआ, मिला? नहीं सर। फ्रेडरिक्स, तुम एक काम करो, तुम जल्दी से जाके टैंक के पास खड़े रहो, वहां से बिल्कुल मत हिलना। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.